हेलो, आज आपको पेन स्टैंड बनाने के लिए सिखा रहे हैं। या तो न्यूज़पेपर का पेपर ले सकते हैं, या कॉपी के पेपर ले सकते हैं, या आप जो भरे हुए पेज होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पाइप किस तरह से बनाएंगे। ढेर सारे पाइप आपको बनाने पड़ेंगे, 20-22 पाइप कम से कम। जितना बड़ा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा पाइप तैयार करेंगे इस तरह से, और थोड़ी थोड़ी एक ही साइज़ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। कटिंग आपको करना नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल लगाने के बाद इस तरह से आपका पाइप तैयार हो जाएगा। पेंसिल का इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए पाइप, इस तरह से हम ढेर सा पाइप बना लेते हैं। पाइप बनाने के बाद हमने इस तरह से गत्ते पे पेपर पेस्टिंग कर दिया है कॉपी का। उसके बाद चाहें तो इसके ऊपर कलर पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके पास है तो रंगीन पेपर सुंदरता के लिए, नहीं तो वैसे भी आप इस्तेमाल। इस तरह से पाइप बनाएंगे। पाइप बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी हम इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल लगाने के बाद यहाँ इस तरह से पेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर आराम से, जो हमने कलर पेपर का बना रखा है पूरा पैक ढेर सारे। इसी तरह से आप बहुत ही अच्छा लगेगा। जितना रंग बिरंगा पेपर आप लगाएंगे उतना अच्छा बनेगा। ये सब कॉपी के पेपर से हमने बनाया है पैक। इसी तरह से अच्छे से चिपकाएंगे। मजबूती का आप ध्यान रखेंगे इसके ऊपर, जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप। इस तरह से लगा दिया हमने पूरे पे। ये पेन स्टैंड आपका तैयार हो गया। कलर पेपर हो तो इसके ऊपर भी डिजाइन बना सकते हैं और भी कलर का, और कलर पेपर से बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा।
धन्यवाद।